सपना किचन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको प्याज के पत्तों के पकौड़ी बनाकर दिखाने जा रही हूँ। देख सकते हैं, हमने प्याज के कुछ पत्ते ले लिए हैं जो इस तरह से हैं। हम इस पत्तों को अच्छे से बारीक बारीक काट कर पकौड़े बनाने के लिए धोकर रेडी कर लेते हैं। प्याज के पत्तों को हमने काट कर अच्छे से धोकर रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब, इस बड़े चम्मच से हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। चार चम्मच हमने इसमें बेसन डाल दिया है। अब इसी में हम हरे मटर के कुछ दाने डाल देंगे। 3 हरी मिर्च थे जिसे हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। 1 इंच अदरक था जिसे हमने कद्दूकस कर इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक इसमें 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच के करीब ये हमने गरम मसाला ले लिया है। 1 चुटकी हम इसमें हींग भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम पानी की मदद से अच्छे से फेंट कर रेडी कर लेते हैं। इस बैटर को फेंटते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। प्याज के पकौड़े बनने के लिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी। अब गैस में कढ़ाई तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकौड़े छानेंगे। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। इसी तरह हम सारे पकौड़ों को छान कर रेडी कर लेते हैं। पकौड़ा हमारा लाल हो गया एक तरफ से। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ पलट लेते हैं। हमें इसे अच्छे से लाल होते तक पका कर रेडी कर लेना है। पकौड़े हमारे अच्छे से लाल हो गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के सारे पकौड़े को छान कर रेडी कर लेते हैं। प्याज के पत्ते के पकौड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं हमारे पकौड़े कितने करंची और लाल बने हुए हैं। ये खाने में भी स्वादिष्ट बहुत होते हैं। अभी प्याज के पत्तों का सीजन चल रहा है फ्रेंड, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ हम धनिया पत्ती की चटनी बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर नाश्ते को बनाकर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।